अच्छा पेपर आ गया क्या? जस्ट बोलो, देखो आ गया, पैसेज आ गया। ओके ऑनलाइन पीपल, एएसएससी यूडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यू आर सॉल्विंग इट राइट नाउ। एक पैसेज भेजा गया है, जस्ट कंफर्म करो आ गया क्या सब ग्रुप से। एक पैसेज है आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का और एक क्लोज टेस्ट है, दोनों तुम लोग को दोनों आ गए ना, पैसेज एंड क्लोज टेस्ट दोनों आ गए। ऑनलाइन पीपल आ गया सब लोग? हाँ क्वेश्चन भी दे, आई विल पुट अप द क्वेश्चन। यस सर, एक आ गया ना, ओके। फर्स्ट वाला पैसेज है, इन अ फार ऑफ विलेज स्टार्टिंग है ना, दैट इज अ पैसेज। वो पहला पढ़ लो एक बार, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे। जस्ट गो थ्रू द पैसेज फर्स्ट, सिंपल सा पैसेज है। जस्ट रीड द पैसेज, क्वेश्चंस मत पढ़ो, बाद में डिस्कस करना है, पहले पैसेज पढ़ लो। डन सर। ओके तुम लोग का यू आर फिनिश रीडिंग। डोंट गिव हिंट्स, वेट।
Rest of you are done reading. Ashish, there is a passage on the group. Just go through it. अच्छा पहले पूछो, how is the language? ये passage का language कैसा है? बहुत simple और lucid है ना? तो questions भी वैसे ही रहेंगे. अच्छा tell me what idea did you get after? किस बारे में? क्या है ये passage exactly? This honesty बारे में. It's a simple story ना? Moral of the story क्या होना चाहिए? Honesty is the best policy. Okay, ठीक है. Questions में लिखता हूँ board पे. क्वेश्चंस कैसे आते हैं बता, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे. लाइक एक क्वेश्चन रहेगा, दो तीन ऑप्शंस रहेंगे ए बी सी, तो फिर ऑप्शन में रहेंगे बोथ वन एंड टू, ओनली वन, ओनली टू एंड थ्री, यू हैव टू चूज दिस. ओके, आई विल जस्ट पुट अप द क्वेश्चंस वन बाय वन. तब तक बाकी लोग जस्ट पैसेज डाला है ग्रुप पे, पढ़ लो जरा वो स्टोरी है. इसमें से ट्रू यू हैव टू फाइंड अ ट्रू स्टेटमेंट ना. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने खाली शॉर्ट में लिखा है, ट्रू स्टेटमेंट में तीन या चार सेंटेंस लिखूंगा, उसमें से जो ट्रू स्टेटमेंट है विद रिगार्ड टू द पैसेज वो ढूंढना है आपको. ओके, समझ में आया ना? एक ऑप्शन चूज करना, ओनली वन, ओनली टू, या फिर बोथ वन एंड टू, ऑल वन टू एंड थ्री, एंड ई नन ऑफ दिस. अगर मिलेगा तो जस्ट हाथ ऊपर करो, आंसर मत बोलो प्लीज, ओपनली जस्ट राइट ऑप्शन नंबर इन योर बुक, ए बी सी डी ई. This is the option number A, B, C, D, E in your book. Okay.
कंफ्यूज्ड पैसेज बहुत इजी होता है, मीनिंग भी बहुत इजी होता है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे गिव इट इन दिस वे. आंसर बहुत सिंपल है. अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़ो. बोलो सेकेंड वन. ओके यू आर गोइंग द फर्स्ट वन. सेकेंड वन एनी चॉइस? नहीं अभी तक कंफ्यूज. सेकेंड वन स्टिल कंफ्यूज. ऑफ दिस ओके सेकेंड वन क्यों लगा? पहले बोलो द मिल्कमैन रिजॉर्टेड टू डिसऑनेस्ट मींस टू गैदर मनी फॉर हिज डॉटर्स मैरिज. सेकेंड वन हो सक नहीं हो सकती. यू आर सेइंग नो. व्हाई? उसमें उसने जो क्या डिसऑनेस्टी की थी उसने? हाँ दूध में पानी, पानी में दूध मिक्स किया. दूध में पानी मिक्स किया राइट, इनकम बढ़ाने के लिए. उसके तभी उसके माइंड में किधर स्टार्टिंग में किधर लिखा नहीं था. अगर वो रीजन होता तो स्टार्टिंग में लिखता था कि ही हैड गॉट अ डॉटर, उसको उसको शादी करना था, उसको बहुत टेंशन था इसलिए उसने ये किया. ऐसे कुछ लिखा नहीं ना. क्या हो गया? बहुत सारा पैसा आ गया. पहले स्टार्टिंग में लिखा ना, ही स्टार्टेड गेटिंग मनी, मनी आ गया, पैसा आ गया, इसलिए उसने उसमें. अभी जब आदमी के पास पैसा आता है तो वो सोचता है ना आगे मैं क्या करूँ, तो पहले उसने पैसा कमाया करती. ही वॉज वेरी ग्रीडी. उसने ये नहीं सोचा कि मुझे लड़की के लिए ऐसा किधर मेंशन नहीं किया स्टार्टिंग में राइट. स्टार्टिंग में किधर नहीं बोला गया ना. अगर उसका इंटेंशन वो रहता था कि उसको वो पैसा खाली अपने लड़की के शादी के लिए चाहिए रहता तो वो स्टार्टिंग में मेंशन कर देते. उसकी फैमिली थी, उसकी लड़की थी और उसको लड़की की शादी करनी थी और वो बहुत टेंस रहता था, इसलिए उसने ऐसा कुछ लिखा नहीं. इसमें क्या लिखा है? पहले उसने ये कमाया, पैसा कमाया गलती रॉन्ग बेस से और बाद में उसने डिसाइड किया. क्या डिसाइड किया? कि अभी बहुत सारा पैसा आ गया तो क्यों ना मैं मेरी लड़की की शादी कर लूँ राइट. और ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि चाइल्डहुड के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है. उसके चाइल्डहुड के बारे में लिखा ही नहीं ना. उत्तर खाली क्या ग्रीडी है पता चलता है उसके एक्शन से. नो मेंशन ऑफ चाइल्डहुड, तो ये ऑप्शन भी रूल आउट हो जाएगा. ये भी समझ में आया ना, क्योंकि पैसा आ गया उसके पास बाद में उसने डिसाइड किया. पहले डिसाइड नहीं किया था कि शादी करनी इसलिए पैसा नहीं कमाया उसने. पहले पैसा आ गया बाद में डिसाइड किया ना. एंड ऑफकोर्स ये वाइफ का तो कम्प्लीटली रॉन्ग है ना. वाइफ ने उसको किधर गलत एडवाइस दिया ही नहीं. किधर पैसेज में लिखा है वाइफ ने एडवाइस दिया नहीं ना. तो द राइट ऑप्शन विल बी None of this. थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वेरी इजी टू क्रैक. ओके ये समझ में आया ना. डोंट गेट कंफ्यूज. तो लड़की की शादी करनी थी लेकिन वो पैसे आने के बाद डिसाइड किया. पैसे आने के पहले नहीं डिसाइड किया था उसने. ओके कौन सा वाला? फर्स्ट वाला. इसमें क्या लिखा है? द मिल्कमैन वॉज डिसऑनेस्ट एंड ग्रीडी मैन सिंस चाइल्डहुड. यानी बचपन से ही वो ग्रीडी के लिए क्या बोलते हैं? लालची था. और डिसऑनेस्ट यानी क्या? आगे जो ऑनेस्ट नहीं होता है वो हिंदी में क्या है? बेईमान और लालची इंसान था. लेकिन बचपन से था क्या वो? क्योंकि इसमें बचपन की कहानी उसकी कुछ बोली नहीं गई ना. इधर क्या स्टार्टिंग ही क्या है? देखो द फार ऑफ विलेज देयर लिव्ड अ मिल्कमैन. द मिल्कमैन वाज वेरी पुअर. तो वो बचपन की बात की था. चाइल्डहुड, ये चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है? बचपन ना. तो बचपन का किधर बात कहा ही नहीं गया उसके कि बचपन से था क्या बाद में बन गया किधर मेंशन ही नहीं किया. तो ये हम लोग अज्यूम नहीं करेंगे ये वाला. ओके और ये भी उसके वाइफ ने स्टोरी पढ़ा आपने पूरा? स्टोरी पढ़ा गया? पहले स्टोरी पढ़ लो फिर समझ में आएगा. और वो पैसेज भेजा है ग्रुप पे स्टोरी. व्हाट इज आई जस्ट पुट अप द सेकंड क्वेश्चन. एक काम करो ना, फोटो निकाल के लो ना, बाद में लिखो. फोटो निकाल के लो, आप भी फोटो निकाल लो ना, बाद में लिख लो. हाँ हो गया लास्ट में. हाँ ठीक है लिख लो. असली सर यू आर ऑल्सो गिविंग ये सही आप दे रहे हो ये सही का इसके लिए तो आरबीआई दे रहे हो भर रहे हैं. एक मिनट
एक मिनट उसका भी सॉल्यूशन में बता दो, एक मिनट। हाँ तो वही कास्ट में भर दो ना फिर। तो ग्रुप पे पैसेज डाला तब तक तो कोई स्टोरी पढ़ लो, ये तो आंसर नहीं दे पाओगे। ओके मॉरल फाइंड करना है और इधर एक इम्पोर्टेंट थिंग लिखा है चूज द बेस्ट ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, चूज द बेस्ट ऑप्शन यानी अपने वाला है, और पहले में क्या है दो दो चूज कर सकते थे ना, अभी इसमें एक ही चूज करना है। चूज द बेस्ट ऑप्शन है, यू कैन ओनली गो विद वन ऑफ द ऑप्शन नॉट मोर देन वन। मॉरल ऑफ द स्टोरी यानी स्टोरी से क्या सीख मिली। स
सी आंसर है सर इसका. ओके बोलो. ओके which one? C. You also go with C. You have read पढ़ा story पढ़ा पहले. Parish, which one? Confused Parish. Most of you are saying C. Why? Any particular reason for C? क्यों C क्यों choose किया? पांच पांच है ना उसमें C क्योंकि थोड़ा ना थोड़ा कुछ ना कुछ context में fit हो रहा है. Ending what? हाँ. Ending climax क्या है? What was the climax of the story? Story का climax क्या था? वो boat उसका क्या हो गया? बोट उल्टा हो गया और क्या हो गया? जो ऑर्नामेंट जो उसने गलत तरीके से कमाया था वो वापस घूम गया ना, वो सब चला गया राइट ना. यानी जो भी हम लोग डिसऑनेस्ट वे से कमाते वो कभी रहता नहीं, वापस उधर ही चला जाता है. तो उसका राइट मीनिंग इट नेवर रिमेंस फॉर एवर ना. ऑनेस्ट डीलिंग्स ऑलवेज सुप्रीम एंड मनी यू गेट बाय रॉन्ग मेथड. गलत तरीके से जो हम लोग कमाते हमारे पास रहता नहीं है राइट ना. बाकी सब भी थोड़े थोड़े सूट हो रहे थे, लेकिन मुझे बेस्ट वाला ढूंढना है, सबसे परफेक्ट राइट ना. तो इसमें ही बोला गया कि उसका वो स्टोरी का क्लाइमेक्स क्या था, जो उसने कमाया था वापस वो बोट उल्टी होकर पूरा पानी में चला गया ना. यानी जो उसने गलत ढंग से कमाया था वो उसके पास कुछ भी नहीं बचा. तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना, नेवर रिमेंस फॉर. यानी गलत तरीके से पैसा हमारे पास साथ रहता नहीं, वो चला जाता है, किसी ना किसी चला जाता. दैट्स व्हाई दिस वाज द बेस्ट वन. ओके राइट ना. ये क्या है, व्हाट इज दिस? एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट. कुछ याद है? हां पता लो, हां न्यूटन्स थर्ड लॉ. फोटो निकल रहा है, फोटो निकालो ना, बहुत टाइम जाएगा लिखने के लिए. एवरी एक्शन वाला सी आंसर है. फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है ना पैसेज में मिला सब लोगों को ना, उसके ऑप्शंस लिख रहा हूँ. यू हैव टू फाइंड अ सुटेबल ऑप्शन. This also should be easy. खाली एक ही ऑप्शन कंफ्यूजिंग है इसमें, और फिल इन द ब्लैंक्स है ना पैसेज पर उसके ऑप्शंस. हाँ
grief, GRIEF. Yeah, sir, D answer. Okay. I know passage. You got the preliminary. Others give try. The difficulty was simply. So option B. B, okay. दो answers मिले हैं. बाकी लोग बोलो. तुम लोग. दो ही confusing है. Explosion ये तो नहीं हो सकता ना. ये भी नहीं हो सकता. Prison भी नहीं हो सकता. दो ही है confusing. Heartbreak या grief. क्या होगा? Why not heartbreak? Why grief? Any particular reason? Heartbreak क्यों नहीं होता? उधर preposition कौन से use किया? In ना? ब्लैंक के पहले वर्ड क्या यूज किया? इन इन हार्ट ब्रेक कभी होता नहीं है. ही हैड अ हार्ट ब्रेक होता है, यानी उसका दिल टूट गया. इन हार्ट ब्रेक कभी होता नहीं है, राइट? इन ग्रीफ होता है ना. एज हिज फादर डैड ही वाज इन ग्रीफ. ग्रीफ के साथ प्रेपोजिशन यही आता है इन, इसलिए इन ग्रीफ होगा. इन हार्ट ब्रेक कभी होता नहीं है, राइट? तो ये इसका आंसर आएगा इन ग्रीफ. Now next question is based on something जो तुम लोग हाथ नहीं लगाते हो कभी. वो क्या है बेस? Illegitimate. Okay, sir, C answer, unlawful. C option. Okay. इसका मीनिंग फाइंड करना ये पांच ऑप्शंस में से. Illegitimate actually दो ways में यूज होते हैं, पता है ना? There are two ways. दो मीनिंग होते हैं अलग अलग इसके. अच्छा, ये ऑप्शंस में से कितने वर्ड्स के मीनिंग्स मालूम है वैसे? देयर आर मेनी फाइव ऑप्शंस ना. नेचुरल, सिंपल, नेमलेस, अनलॉफुल, बेसबॉर्न. ये लास्ट दो का मतलब मालूम है? बेसबॉर्न एंड कंटेम्पटेबल. बेसबॉर्न क्या होता है? उसका क्या बहुत हीन, जिसका जन्म एकदम गरीब या एकदम हीन, वो नाजायज जन्म वगैरह वैसा. नॉट वर्दी, यानी ही इज बॉर्न इन अ वेरी बैड कंडीशन. यू कैन से हीन, हीन जन्म उसका मराठी या हिंदी में होता है. कंटेम्पटेबल, कॉन्टेम्प्ट क्या होता है? कॉन्टेम्प्ट नहीं सुने? डिसरिस्पेक्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं सुने तुम लोग ने? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसको जज ने पनिश किया वो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कंटेम्प्ट में डिसरिस्पेक्ट दिखाया. कंटेम्प्टेबल यानी जिसके लिए हम, जिसको, जिसके लिए मन में रिस्पेक्ट नहीं होता है. वन इज नॉट वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, गेटिंग रिस्पेक्ट. ओके. बेसबॉर्न यानी वॉट, वेरी लाइक हिंज, हिंज में नीच, नीच आदमी, समथिंग लाइक लिटरली. अनलॉफुल तो मालूम है. नाउ इललेजिटिमेट का दो मीनिंग्स होते हैं. अनलॉफुल एक तो है व्हिच हु डज नॉट फॉलो द लॉ, वो भी है. और दूसरा वर्ड इललेजिटिमेट, हाँ, बेसबॉर्न. इललेजिटिमेट सन सुना है ना, यानी नाजायज औलाद बोलते हैं ना हम लोग, तो वो भी उसमें, उसके लिए भी ये वर्ड यूज करते हैं. और जो लॉ फॉलो नहीं करते उसके लिए भी होता है, राइट? तो इसका बेसबॉर्न भी हो सकता था और अनलॉफुल भी हो सकता था, राइट? लेकिन इसमें इललेजिटिमेट क्यों यूज किया है? ये पैराग्राफ में इललेजिटिमेट क्यों यूज किया है?
डिसऑनेस्ट वेज ना, उसका डिसऑनेस्ट तरीका पैसा कमाने का ना, तो दैट्स व्हाई डिसऑनेस्ट तरीका है ना, अनलॉफुल तरीका है, दोनों का मतलब सेम ही है, लेकिन आई विल गो विद दिस ऑप्शन, क्योंकि ये किस तरह का इसने पैसा कमाया वो दिया है ना, अनलॉफुल तरीके से किया ना उसने, पानी मिक्स वगैरह किया, तो दैट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो नॉट इन अकॉर्डिंग विद द लॉ, दैट विल बी अनलॉफुल. ओके Which of the following is not true with reference to the passage? That is option. All of you going with the same one? Which one of the following is not true? कौन सा गलत है passage के अनुसार? A गलत है. क्यों गलत है? ऑनेस्ट भी नहीं था, वाइस भी नहीं था ना, वाइस किधर दिया ही नहीं, वो वाइस था, ऑनेस्ट वो तो डिसऑनेस्ट था ना, तो ये गलत हो जाएगा. ये सही है, ही फेल्ट सॉरी फॉर हिज डीड्स, एंड ऑफ द पैसेज दिया है, हाँ दिया है ना, द मिल्कमैन अंडरस्टूड हिज रॉन्ग डूइंग्स एंड ही वाज वेरी सॉरी फॉर हिज मिस्टेक, दिया है ना उधर, तो ये सही है ना, दिस इज नॉट फॉल्स. एंड द मिल्कमैन कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब फोर्स, इसका सेंटेंस का मतलब क्या होता है, मिल्कमैन वाज कंपेल्ड टू यूज डिसऑनेस्ट मींस ऑफ अर्निंग ड्यूटी, यानी उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया गलत तरीका अपनाने के लिए, नहीं ना, उसका पेरेंट्स कुछ मेंशन ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो ए एंड सी दोनों रॉन्ग है ना, आई विल गो विद दिस वन. ओके कौन सा, इधर डिसऑनेस्ट लेकिन फिर भी वाइज है ना, अगर डिसऑनेस्ट भी होता था लेकिन वाइज होशियार है, किधर मेंशन किया है क्या, नहीं ना, ही इज वाइज मेंशन किया है क्या पैसेज में, वाइज का मतलब क्या होशियार ना, हाँ तो वो लिखा नहीं ना किधर, वो बुद्धिमान था करके वैसे लिखा नहीं ना, तो हाँ तो गलत सही होता था. कौन सा रॉन्ग है वो ढूंढना है आपको, इधर लिखा है कभी, तो फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी जो सही नहीं है. ओके तो ये दोनों रॉन्ग है ना, ए एंड सी, पैसेज है ना, आपको पैसेज पैसेज पढ़ा आपने, पैसेज पूरा पढ़ोगे तो समझ में आया ना, उसमें तो लिखा है ना क्लियरली वो डिसऑनेस्ट था,
वो डिसऑनेस्ट था यानी ईमानदार नहीं था, इसलिए उसने दूध में पानी पिलाया ना, तो ये भी लिखा है। और उसके इसमें क्या बोला, उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया, उसके माँ बाप ने उसको कहा कि तुम ये गलत तरीके अपनाओ, लेकिन पूरे पैसेज में उसके माँ बाप के बारे में कुछ लिखा ही नहीं, उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है ना। हाँ, तो इसलिए ये दोनों गलत है, क्योंकि पैसेज में ही नहीं है वो। आप एक दो बार पैसेज पढ़ोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। अभी वापस यू हैव टू फाइंड द ट्रू स्टेटमेंट सर बीसी। ओके ऑप्शन बी एंड सी सर। ओके Which one? Same thing. B and C, all of you going, right? Right, na? He was poor and unhappy with his life initially. वो passage में दिखा है directly. इधर है वो. However, the milk was not sufficient for him to earn a living for 6-member family. He was the only individual who earned in his family. ब्रेड ब्रेड अर्नर का मतलब पता है ना, अकेला एकलौता कमाने वाला, तो एकलौता कमाने वाला वो भी दिया है, और वो बहुत पुअर था इसलिए तो उसने डिसऑनेस्ट बेस अप्लाई अप्रोच किया ना। फर्स्ट वाला वो किधर मेंशन ही नहीं किया ना, उधर लिखा है कि बाद में लेता था ना, ही वेंट अराउंड, देखो देयरफॉर वन डे ही वेंट अराउंड कलेक्टिंग द ड्यूज इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट द इवेंट, वो बाद में दूध सप्लाई करने के बाद लेता था, कभी एडवांस पेमेंट का कहीं बात नहीं किया गया, राइट? तो ऑफ कोर्स बी एंड सी। क्वेश्चन बेसिकली आर इजी, खाली ये कंफ्यूज करने के लिए ए बी बी सी करके देते हैं, बेसिकली दे आर ऑफ वेरी इजी नेचर, राइट ना? पैसेज इज वेरी सिंपल, राइट? क्वेश्चंस आल्सो वेरी सिंपल, लेकिन खाली कंफ्यूज करने के लिए बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड सी, आपको थोड़ा सोचने के लिए टाइम लगना चाहिए, इसलिए तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करोगे इट विल बी वेरी इजी। थोड़ा वोकैब पे, आई मीन जो क्लोज टेस्ट है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन वोकैब, थोड़ा वोकैब पे जोर लगाना पड़ेगा, बाकी इंग्लिश इज वेरी इजी है। एरर स्पॉटिंग हम लोग ने जो लेवल के किए ना उससे बहुत इजी लेवल के एरर स्पॉटिंग, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू कैन आइडेंटिफाई एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन जो इसमें पेपर में है ना
जैसे जैसे मैं लिखूंगा आई थिंक यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द एरर्स. इतने डिफिकल्ट नहीं है, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत प्राइमरी लेवल के एरर्स है, इतने टफ नहीं होते एरर्स थोड़े. ये कितने क्वेश्चंस हो गए? 5, 4, 6 कितने हो गए? 5, 6, 6 ओके. अच्छा, I'm writing the error spotting वाला question. बहुत basic level का है. Then just raise your hands, क्योंकि I think एक दो दो तीन जन नए हैं ना, तो उनको भी सोचने का मौका दो. तुम लोग के topics हो गए तो I think it will be very easy for you to spot this. Okay, बाकी लोग को सोचने का मौका दो. Last में वो will try to do the close test. अच्छा, पहला जो हाथ ऊपर करो खाली, जिसको मिल जाना चाहिए, बहुत इजी है. सर फर्स्ट में आ रहे. ओके, बहुत बेसिक लेवल का है ना एरर. खाली हाथ ऊपर करो सो दैट आई गेट अ आइडिया. 1, 2, 3 तुम लोग भी देखो, बहुत सिंपल सा एरर है. अरे इसके लिए कुछ रूल्स, मुझे रूल्स पता होने की जरूरत नहीं. विदाउट रूल्स आई कैन डू दिस सेंटेंस. साहू जी आप भी पहले ट्राई करो, ये बाद में देखो. देखो बहुत सिंपल सा एरर है. मिला? यू आल्सो गॉट इट ना? तुम लोग दोनों को एनी कुछ एरर लग रहा है इसमें? कुछ गलत है? बहुत सिंपल सा है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. बोलो. टीचर्स आर एरर उधर ही है. अच्छा वहां अश्लेषा गिव यू आंसर. एक टीचर सिंगुलर है या प्लूरल है? इधर सिंगुलर है ना, तो वॉज और वर में फर्क पता है ना. ही वॉज प्लेइंग ना, एक के साथ में क्या यूज करता हूँ? ही. और बहुत जन रहेंगे, दे तो क्या यूज करूंगा? ये सिंगुलर के साथ और यूज होता है जब एक चीज होती है. और ये वर बहुत जन रहते हैं, तो इधर एक टीचर है या बहुत टीचर है? एक ही है ना, तो एक है तो क्या आएगा? वॉज आएगा ना. हो गया लिख के. Thank you.
Again, this is a basic level of error. हाथ ऊपर करो खाली, don't give the answer. ये भी बहुत simple सा है, नन्ना सा प्यारा सा error है बस. He had come. सर थर्ड में एरर है. ओके कम है. ओके किसकी जगह पे देम आएगा? सॉरी हाँ किसके जगह पे? सबके जगह पे केम आएगा. ओके एनीथिंग एल्स? नो एरर. एंड एक एरर है डेफिनेटली. Why? But एक इंग्लिश में होता है क्या, what do you say? एक इंग्लिश में होता है लॉ ऑफ पैरेललिज्म, राइट? वो क्या बोलता है, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेंटेंस पर्टिकुलर टेंस में है तो आधा वाला नेक्स्ट वाला एक ही टेंस में, यानी अगर इसमें वर्ब्स कौन से मेरे पास, हैड कम है और इधर वाज है और इज है, राइट? तो पहले तो वर्ब्स कौन से टेंस में है? पास्ट में. हैड पास्ट में यूज करते हैं, वाज भी पास्ट में, राइट? तो मेरा लॉ ऑफ पैरेललिज्म क्या बोलता है, अगर आपके पहले दो वर्ब्स पास्ट में तो आगे वाला वर्ब भी वही टेंस में रखना है. आधा सेंटेंस आपका पास्ट में आधा प्रेजेंट में नहीं हो सकता, राइट? नहीं पता था वो भी. ये समझ में आया? तो इधर क्या आएगा, he was missing. हेड के साथ वी थ्री का ये होता है. एक मिनट, टू कम होता है, केम होता है, कम होता है और कमिंग होता है. इसका ये फर्स्ट फॉर्म है ना, वो इन्फिनिटिव फॉर्म पे होता है, टू कम. तो वो बराबर है ना, हैड कम. यस बोलो. यस समबडी वाज आस्किंग मी समथिंग. एक ऑनलाइन कोई पूछ रहा था मुझे कुछ डाउट. हैड के साथ वी थ्री फॉर्म आता है ना, तो हाँ, तो इसमें मैंने इधर लिखा है ना, ये इसका वी वन है, टू कम इन्फिनिटिव के साथ होता है. ये केम सेकंड फॉर्म होता है, वापस कम थर्ड फॉर्म होता है और कमिंग फोर्थ फॉर्म होता है. ओके ये इन्फिनिटिव आता है इसका फर्स्ट फॉर्म में, तो इसलिए हैड के साथ कम ही है थर्ड फॉर्म. ओके ओके ये इन्फिनिटिव इसका जो बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है, वो इन्फिनिटिव के साथ होता है, दैट्स व्हाई वो अलग है थोड़ा. ये समझ में आया ना, ये मेरा पास्ट में, ये भी पास्ट में, इसलिए ये भी पास्ट में रहेगा. आधा सेंटेंस पास्ट में और आधा प्रेजेंट में नहीं हो सकता. नहीं नहीं हैड के साथ बीती आएगा. हाँ ये केम है ना, ये कम बी टू का केम होता है इसका. हाँ टू के साथ कम आएगा. ही आस्क्ड हिम टू कम टुमारो, तो टू रहेगा तो कम आएगा.
ही केम यस्टरडे सिंपल पास्ट में ही केम यस्टरडे यानी कल आ चुका है ना वो एक्शन खत्म हो गया एक्शन जब खत्म होती है तो हम लोग सेकंड फॉर्म रखते हैं सिंपल पास्ट में तो ही केम यस्टरडे इसका मतलब क्या अभी भी नहीं आ रहा है ना हो गया तो सिंपल पास्ट में रहेगा तभी वी टू आएगा डन नेवी बहुत सिंपल सा है अगेन जस्ट रेज योर हैंड ये ALZHEI-Alzheimer's disease का नाम है ALZH सर हेल्प्स की जगह हेल्प आएगा ओके रीजन एनी रीजन फॉर दैट मिला है कोई लग रहा है that is a disease na that is for inanimate objects wo jo apostrophe bole na like jaise fan mountain door uske sath nahi use karte but is a name of something na you can use apart from that anything else acha mujhe ye iske upar bolo ये सेंटेंस पढ़ने के बाद इसका आंसर क्या रहेगा व्हाट हेल्प्स इन द डिले ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज वो डिजीज हम लोग डिले कैसे कर सकते हैं यस बोलो कैसे ये सेंटेंस पढ़ोगे ना तो इसका आंसर क्या आएगा अगर मुझे अल्जाइमर्स डिजीज डिले करना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस टेकिंग स्टेप्स टू टेकिंग स्टेप्स ऑफ समथिंग समथिंग हेल्प्स मी ना राइट ना तो ये हेल्प किसके लिए यूज किया है इसके लिए ना तो ये प्लूरल है सिंगुलर है प्लूरल है ना तो उसके साथ वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा प्लूरल वर्ब यानी विदाउट एस या विद एस विदाउट एस ना प्लूरल वर्ब किया है ना हम लोग ने बहुत बार में हेल्प नॉट हेल्प्स क्योंकि ये इसके लिए है ना
इधर गया वो स्टेप्स के लिए, समझ में आया ना, तो इधर हेल्प आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, समझ में आया ना, प्लूरल वर्ब याद है ना, विदाउट एस, सिंगुलर वर्ब विद एस, राइट। Done? Just raise your hands again. A committee will be set up to explore pros and cons by a common fee structure and will take a final decision on it. बोलो कोई पर्टिकुलर पार्ट पे लग रहा है? नहीं, इसका मतलब क्या होता है? Pros and cons, advantage and disadvantage. Advantage, argument करते ना, तो this what are the pros and cons of this project? याने sentence बनाओ pros और cons के साथ, कोई भी sentence बनाओ, advantages बोलो, आदित्य you said it correctly बोलो, pros and cons के साथ कोई भी sentence बना, okay something pros and cons बीच में आ कैसा आएगा? बोलो की बट रहा है, अभी तुमने बराबर बोला था उसको, वी हैव टू स्टडी द प्रोज एंड कॉन्स, कंप्लीट द सेंटेंस ऑफ द प्रोजेक्ट ना, स्टडी द प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज का मतलब पॉजिटिव थिंग्स एंड कॉन्स एंड नेगेटिव थिंग्स, तो यानी वो प्रोजेक्ट के हम लोग को पॉजिटिव थिंग्स भी स्टडी करने हैं और नेगेटिव थिंग्स भी, तो प्रोज एंड कॉन्स हमेशा प्रोज एंड कॉन्स ऑफ होता है ऑफ समथिंग, द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्रोजेक्ट, the pros and cons of the particular thing, तो pros and cons के साथ off होते हैं, on by नहीं आएंगे, the preposition गलत use किया, समझ में आया? pros and cons मतलब समझ में आया ना, positive pros का मतलब positive things, cons है ना negative things, positive aspects and negative aspects, the positive and the negative aspects of the common fee structure, not by a common fee structure, ये idiom है actually.
डन अगेन द नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी इजी क्योंकि ये टॉपिक हो गया हम लोग का तो गिव देम अ चांस वो आ जाएगा नीचे गया I want the new people to try this क्योंकि ये बहुत simple basic level का है वापस one okay इतना amuse space की बहुत simple question है I was expecting कि सब लोग आ जाएगा fifth one okay मिला नहीं मिला अच्छा नहीं हाँ बताता हूँ मैं तो डोंट गिव मिला ना दिस सेट कौन सा लग रहा है साहू जी कौन सा लग रहा है आपको क्या है वो किस हाँ कंजंक्शन तुम लोग का हो गया शायद से ना कंजंक्शन हो गया तुम लोग का एक ऑनलाइन में हो गया अच्छा ठीक है वो कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो पेयर्स में यूज करते हैं जैसे नाइदर के साथ क्या आता है नाइदर नॉर आता है ना हमेशा आइदर के साथ हाँ आइदर के साथ और नॉट ओनली तो ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं एक अकेला नहीं होता हमेशा पेयर इसको हम लोग बोलते हैं कोरिलेटिव तो ये भी एक वन ऑफ द कोरिलेटिव नो सुनर जब भी नो सुनर आता है उसका दूसरा क्या आता है देन आता है तो इधर नो भी है और इधर देन भी है तो इसलिए आई चूज नो सुनर देन ओके ये हमेशा पेयर में यूज होंगे
Sir, after has he felt? Has he felt FELT? So option C. ओके ये थोड़ा वो क्या थोड़ा सा डिफिकल्ट है फिर भी एलिमिनेशन मेथड से मुझे मेरा आंसर मिल जाना चाहिए. मैं बताऊंगा ना, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप आंसर ढूंढो क्योंकि एग्जाम में वैसे ही करना पड़ेगा ना, बिना मीनिंग के आपको ढूंढना है, राइट? मैं बताऊंगा लेकिन पहले आप गेस लगाने को सीखो, हाउ टू गेस द आंसर्स, एलिमिनेट कैसे करते हैं. How many of you want to answer? Only one. Bakil, hey, don't give hints, wait. Aditya, don't drop hints, wait, let them think. Bahut simple hai. I mean, meanings nahi pata rahega to bhi bahut ek simple tarika hai. Achha, options mein se meanings iske nahi pata hai. Definitely iska nahi pata rahega, right? Aur exhausted pata hai? Exhausted मतलब नहीं पता. Exhausted क्या होता है? दो either tired या खत्म हो गया. हम लोग जब थकते ना तो I got completely exhausted. या फिर the resources were exhausted and resources सब खत्म हो गया. Either खत्म होना या बहुत थक जाना. Form तो पता है. Honored और delight पता है. Right? अभी बोलो give a try. Illustration which one? Give a try. C. Why C? Tell me. You also said C. इधर देखो क्या है. अच्छा अच्छा इसमें दो तीन फीलिंग्स का बात किया, राइट? बस मच उसका मीनिंग नहीं मालूम, लेकिन इंसल्टेड तो मुझे मालूम है. इंसल्टेड क्या है? नेगेटिव वर्ड है ना, तो एंड है. एंड का हम लोग ने क्वालिटी डिस्कस है. एंड हमेशा दोनों सेम वाले वर्ड ज्वाइन करते हैं, जैसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं ज्वाइन करेगा. और रहेगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है ना, बट होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है. लेकिन अगर मैं एंड यूज करता है इसका मतलब अगर मैंने इधर नेगेटिव वर्ड यूज किया है तो इधर भी मुझे नेगेटिव यूज करना पड़ेगा, राइट? तो डिलाइटेड नेगेटिव वर्ब रहेगा या पॉजिटिव? डिलाइटेड यानी बहुत खुश होना, तो ये नहीं जा सकते. ऑनर्ड भी पॉजिटिव. फर्म यानी व्हाट इज फर्म ऑन हिज थॉट्स, यानी वो अपने विचारों पे अड़ा हुआ है, स्टेबल है, तो ये भी पॉजिटिव है. एग्जॉस्टेड यानी खत्म होना. अबास्ट नहीं है तो एग्जॉस्टेड, लेकिन इधर एग्जॉस्टेड तो नहीं आएगा, अबास्ट आएगा. अबास्ट का मतलब क्या होता है? अबास्ट यानी टू डिग्रेड, डिग्रेड करना किसी के. और बसमच का भी मीनिंग नियरली सेम होता है, किसी का नाम खराब करते हैं, रेपुटेशन खराब करते हैं, स्पॉइल द रेपुटेशन ऑफ समथिंग. ओके, इसका ऑप्शन रहेगा सी. सी इधर क्या वर्ड है? नेगेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव वर्ड है? नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव वर्ड है तो इधर भी ये नेगेटिव लगेगा ना, क्योंकि एंड. हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा बराबर लगता है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में? स्मार्ट एंड ऑनेस्ट है, स्मार्ट एंड डिसऑनेस्ट? पहले वाला ना. क्यों? क्योंकि इसमें मैं एंड है ना, एंड है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है.
एंड कभी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव को भी ज्वाइन करते हैं, आइदर दोनों पॉजिटिव होना चाहिए दोनों नेगेटिव होना चाहिए, समझ में आया? तो वही है ना, अब इधर एंड है, इधर एक नेगेटिव वर्ड है ना, तो उसका मतलब इधर कौन सा वर्ड आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए, तो ये सब पॉजिटिव वर्ड्स है ना, इसलिए इसका मीनिंग नहीं मालूम, पर फिर भी आई विल गो विद दिस। ओके क्लियर है? सो और रहेगा तो उसके साथ क्या आएगा? और रहेगा तो लाइक सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस सर और रहेगा तो सेकंड सेंटेंस मैच होगा ना? इस स्मार्ट और नहीं, इस स्मार्ट बट आएगा, और से ज्यादा बट आएगा, इस स्मार्ट बट इस वन, इसकी कॉन्ट्रडिक्शन है ना, बट नॉर्मली यूज करते हैं और के ज्यादा प्रेफरेंस हम लोग बट को देते हैं, क्योंकि बट दो अपोजिट आइडियाज के लिए यूज करते हैं हम लोग, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के लिए। ओके सर, बट आएगा उधर, नॉट और। This also should be easy. The specialist has dashed my aunt against covering her burns. Suggested, advised, promised, told, agreed. Kabhi. Okay. कवरिंग एयर बर्न्स है ना, उसके हाथ में जख्म हो गई तो वो कवर नहीं करना। ओके बी, वाई बी, और कौन सा प्रॉबेबली हो सकता है बी के साथ? बाकी तो नहीं होगा ना, दोनों ए या बी में से कुछ ना कुछ करना है। प्रॉमिस टोल्ड एक्टेड टू द थिंग, हाँ करेक्ट। ये स्पेशलिस्ट का मतलब कौन हो गया? डॉक्टर हो गया ना, तो डॉक्टर एडवाइस करता है या सजेस्ट करता है? एडवाइस करता है ना, सजेस्ट नहीं करता। और दूसरा इधर अगेंस्ट भी है, सजेस्टेड अगेंस्ट नहीं होते, एडवाइस अगेंस्ट होते हैं, एडवाइस अगेंस्ट डूइंग समथिंग, सजेस्टेड के साथ अगेंस्ट हम लोग यूज नहीं करते, एडवाइस द डॉक्टर एडवाइस अगेंस्ट गोइंग आउट इन द रेन, सजेस्टेड अगेंस्ट नहीं होते, अगेंस्ट तो एडवाइस ही जाएगा उसके। ओके done,
Currencies. सेंटेंस रीअरेंजमेंट करो जल्दी जल्दी, सीक्वेंस में अरेंज करना है. कौन सा वाला? फ्लक्चुएटिंग. ऑप्शन नहीं है, पूरा सीक्वेंस में करो. हाँ ये सीक्वेंस में नहीं है, सीक्वेंस में करना है आपको.
हाँ पहला ए आएगा, पहला डी आएगा, पहला एफ आएगा, सॉरी ई आएगा, लग रहा है कोई सीक्वेंस। ED ABC ED ओके सॉरी वापस बोलो ED ABC ओके पहला पैर करेक्ट है आपका, बाद में मिस्टेक है थोड़ा। हाँ तो बोलो ना। ओके सर EDBCA ओके DNA कौन सा वाला EDBCA ऑल ऑफ यू गोइंग द सेम थिंग। पैर कौन सा बना इसमें? ई और डी का पैर बन रहा है। क्यों? सिंपल रीजन है, करेक्ट। मोर देन दैट यू नो पीरियड दिया है ना, और इधर लिखा है ड्यूरिंग दिस पीरियड, पीरियड एक ही इसमें दिया है ना, यानी ये से इधर से, तो इसका पैर बन रहा है। और ये बेसिकली किसका है? गोल्ड का और करेंसी के बारे रिलेशन में दिया है ना, गोल्ड का और करेंसी का रिलेशन क्या है। तो द क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड फेल अपार्ट ड्यूरिंग द इंटरवॉर पीरियड ऑफ 19 ये स्टार्टिंग रहेगा मेरा, राइट? तभी जब वॉर हुआ था तभी वो गोल्ड के रेट्स गिरे, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड मेजर कंट्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी ऑफकोर्स ये इसी पीरियड का बात करें ना। तो पहला मेरा सीधा पैर बन रहा है ईडी, आफ्टर दैट क्या हो सकता है बोलो? देखो एक्शन की बात की गई है, पहले तो दे यानी किसको रेफर करता रहेगा, ये कंट्रीज को रेफर कर रहा है ना, तो एक तो हिंट मुझे वो है क्योंकि इधर कंट्रीज है और उधर दे भी यूज किया, राइट? तो ये इसको फॉलो कर सकते हैं, राइट ना, क्योंकि दे कंट्रीज। और दूसरा हिंट क्या है? दो एक्शन के ड्यूरिंग दिस पीरियड मेजर कंट्रीज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, उन्होंने गोल्ड का एक्सपोर्ट गोल्ड भेजना बंद कर दिया, राइट ना, दे रिस्ट्रिक्टेड द इंपोर्ट्स, यानी गोल्ड भेजना बाहर कर दिया, और दे ऑल्सो सस्पेंडेड द रिडेम्पशन ऑफ करेंसी इन गोल्ड, यानी नॉर्मली करेंसी को गोल्ड के साथ एक्सचेंज करते थे वो लोग, तो वो भी वो लोग ने बंद कर दिया, समझ में आया? तो यही एक्शन का कंटिन्यूएशन है उसमें, डी में उन्होंने दो एक्शन, पहला समझ में आया ना दोनों हिंट्स, पहले कंट्रीज के लिए प्रॉबेबली दे यूज किया गया, वो एक हिंट मिल रहा है मुझे, और दूसरा पहला एक्शन क्या किया, वो लोग ने गोल्ड एक्सपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस डाला, बंद कर दिया, एंड दे ऑल्सो सस्पेंडेड, उसके साथ ये भी बंद कर दिया, उसके साथ उन्होंने करेंसी का रिडेम्पशन भी बंद कर दिया, तो इसलिए डी का पैर किसके साथ बन रहा है, राइट? अभी क्या बचा है? सी और ए। अब क्या आएगा? इधर इन एडिशन है ना, यानी इसमें कुछ किया गया है उसके साथ, इन एडिशन टू दैट वो किया गया है ना, इन एडिशन वाला नॉर्मली एंड में ही आता है ना, जैसे समथिंग और इन एडिशन, राइट ना, तो इसमें क्या पैर बन रहा है अभी? सी ए। आई थिंक सब लोगों को वही है ना, एक लेक्चर में बहुत स्मार्ट बन गए सब लोग, एक ही लेक्चर हुआ ना, आधा बाकी है ना अभी। लास्ट कौन सा किया था, याद है क्या कुछ? लाइट इज कमिंग, वी कैन नॉट सी। अच्छा मैंने देखा नहीं। हर्षल, हर्षल अभी दिख रहा है आपको? यू सेड दैट लाइट्स आई नो, मैंने मैसेज अभी देखा। हर्षल कैन यू सी द बोर्ड नाउ?
तुम लोगों को भी ग्लेयर आ रहा है क्या? पीछे वालों को शाइन हो रहा है बोर्ड? बंद करो कोई लाइट. अभी नहीं दिख रहा है ना? अभी अभी नहीं आ रहा है ग्लेयर? नहीं तेना तेना बेगड़ा दसन है. इट इज वेरी एक ही ग्लेयर आ रहा है. ओके अभी एक क्लोज टेस्ट बाकी है ना. इज द लास्ट क्वेश्चन. ये क्लियर है ना? नो डाउट्स. फर्स्ट ब्लैंक के लिए मैंने ऑप्शंस लिखे हैं. एक मिनट जस्ट लेट मी कंफर्म द ऑप्शन. द फर्स्ट ब्लैंक के ये गए. पहले पैसेज पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? एक बार पढ़ लो, यू विल गेट आइडिया. मिला ना क्लोज टेस्ट? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट उधर से स्टार्ट हो रहा है. वो इज अ टर्म फॉर इट दैट हैव बिकम. इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट इज अ टर्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स that have become dash non-working or obsolete. Will you give a try? Sorry, usne kuch bola? You gave an answer. अच्छा उधर डैश जो पहला फैल ब्लैंक है ना उसके बाद कुछ वर्ड्स यूज किए उधर से हिंट मिल सकते हैं. नॉन वर्किंग और ऑब्सोलेट, राइट? ये कुछ वर्ड्स है. ऑब्सोलेट का मुझे मीनिंग नहीं पता है. ऑब्सोलेट का मतलब क्या होता है? गेसेस, यानी जो अभी यूज काम में नहीं है या फिर प्रोडक्शन में, जिसको जिसका प्रोडक्शन बंद हुआ है, जो अभी यूज में नहीं है. लेकिन इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन ये तो पता है नॉन वर्किंग. तो यानी वो जो प्रोडक्ट्स है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए, राइट? तो ये क्या पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है. दूसरे मुझे नेगेटिव वर्ड ढूंढना है. रिक्विजिट का मतलब रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड पता है ना? रिक्विजिट का मतलब रिक्वायर्ड. पैरामाउंट विच इज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंस, एक ज्यादा इंपॉर्टेंस की चीज है उसको बोलते. लाइक वो क्या, डिसिप्लिन इज द पैरामाउंट टू सक्सेस. अगर मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन इज द पैरामाउंट टू सक्सेस, यानी सबसे एसेंशियल अगर सक्सेस के कुछ चाहिए तो डिसिप्लिन चाहिए, राइट? ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी और इट्स ऑब्लिगेशन लीगली बाउंड. ओके, एमिनेंट तो पता रहेगा ना? ही इज अ वेरी एमिनेंट पर्सनैलिटी, फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट. लाइक सचिन तेंदुलकर इज एमिनेंट पर्सनैलिटी, यानी फेमस, राइट?
तो ये सब पॉजिटिव वाले वर्ड्स है ना, तो फॉरगेट दैट लेकिन ये जो नॉन वर्किंग है इससे क्या सेंस में आता है, नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो ये तो मुझे डेफिनेटली पता है अनवांटेड, क्योंकि ई वेस्ट वैसे भी क्या होता है पता है ना, जो मोबाइल्स वगैरह हम लोग यूज नहीं करते वो डिस्कार्ड फेंक देते ना, तो उधर अनवांटेड ही है, क्योंकि बाजू में एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए आई विल गो विद अनवांटेड, राइट? ओके, सेकंड वाला सेट. सेकेंड वाले ब्लैंक का उसका ये ऑफ क्या अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, मोर इम्पोर्टेंट देन समथिंग एल्स. क्या सेकेंड वाला पढ़ा, क्या है ब्लैंक? एंड हैव एसेंशियली रीच द एंड ऑफ देयर डैश लाइफ. किसके बारे में बोले हैव एसेंशियली रीच द एंड ऑफ देयर डैश लाइफ, किसके लाइफ के बारे में बात हो रही? इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन होगा, मोबाइल होगा, तो उनका दे हैव रीच द एंड ऑफ देयर डैश लाइफ, तो उनका लाइफ कैसा था, लाइफ कैसा रहता है नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते ना, शॉर्ट मोबाइल आपके हाथ में है तो क्या वर्ड होगा उसके लिए? अभी तो वो ई वेस्ट बन गया, बंद होने के बाद वो ई वेस्ट बन गया, राइट? लेकिन जब तक वो चलता है तब तक यूजफुल रहता है ना, वो हैव कम एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, राइट ना? इसका मतलब होमोलोगस यानी सिमिलर, होमोलोगस सीरीज सुने, सिमिलर केमिस्ट्री में एक साइंस वाला कोई है क्या? एल्केन्स, एल्केन्स नहीं बड़े, ओके. एग्नेट कैंडिडेट डेली सेम होता है, जिनके कमिंग फ्रॉम द सेम डिसेंडेंट, जिनके एंसेस्टर्स पता है ना, दादा परदादा फोर फादर्स, दे आर कमिंग फ्रॉम द सेम डिसेंडेंट, ये दोनों का डेली सेम ही मीनिंग होता है. आई विल गो विद दिस, क्योंकि उनका लाइफ एज जब तक वो लोग ई वेस्ट नहीं बनेंगे तब तक उनका लाइफ बहुत यूजफुल होते हैं ना हमारे लिए, लाइक वॉशिंग मशीन हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, इट विल वेरी यूजफुल फॉर अस ना, तो दे आर कम एट द एंड ऑफ देयर यूजफुल लाइफ. ओके, इसमें इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ टू इंटरप्रेट द थिंग्स. थर्ड वाले का सेट, एक मिनट. ये थोड़ा सिंपल रहना चाहिए मेरे ख्याल से. इनफैक्ट ऑल डैश ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कंट्रीब्यूट टू वेस्ट, ऑल मेथड, ऑल प्रोसीजर, ऑल कैटेगरीज, ऑल ऑपरेशन, ऑल टैक्स, सिंपल है ये. ऑल डैश ऑफ ऑल कैटेगरीज ना, यानी उसमें क्या होगा, ई वेस्ट में क्या क्या आते हैं, सब कैटेगरीज क्या आते हैं ना, जैसे मोबाइल फोन आएगा, वीसीआर आएगा, डीवीडी प्लेयर आएगा, तो ऑल कैटेगरीज ही आएगा उसमें, राइट? इसमें कोई वर्ड टैग का मतलब क्या होता है? नहीं, वो टैक्टिक है, सॉरी, नहीं नहीं, टैग यानी समथिंग रिलेटेड टू स्टिच, स्टिच करते हैं ना, स्टिचिंग पता है ना, टाका घालता, तो दैट इज सम टैग होता है, टू सू इट फर्स्ट, या फिर वो जो कील टोकते हैं ना टैग मारने के लिए, दो लकड़ी के पीस रहेंगे तो उसके ऊपर भी हैमर और नेल ना, उसको भी टैग बोलते हैं. ओके, द नेक्स्ट सेट. हाँ, ऑप्शंस बाजू में देते हैं, ये पैराग्राफ में डालना है, वो जो ब्लैंक लिखा है ना उधर, वन टू थ्री, निकाला पैराग्राफ आपने? सर, कौन सा पैराग्राफ देखे हो, दिखाओ मुझे. ये नहीं, दूसरा और एक भेजा है ना, ये वाला, ये इतना छोटा, अच्छा ये दूसरा वाला है, इसके पहले ये वाला, वन टू थ्री, अभी ये थर्ड वाला हो गया, अभी फोर्थ वाला चलो, उसमें डालना है ऑप्शन. ये फोर्थ वन है ना क्या, थर्ड वन, अभी अभी फोर्थ वन लिखूंगा मैं.
देखो जरा इसमें कुछ है क्या, मीनिंग क्या होता है उसका। ऑब्सोलीट का मतलब बताया था पहले पार्ट में, बताया था पहले पार्ट में क्या होता है, देखो आउट ऑफ यूज एंड विच इज नो लॉन्गर प्रोड्यूस, अभी यूज नहीं हो रहा है। हाँ क्यों, लेकिन रीजन बोलो उसके। चले पहले इसका मीनिंग क्या है, एफिकेशियस। अच्छा ये पॉजिटिव वर्ड है, एफिशिएंट बोलते हैं ना, एफिकेसी डेटा सुना है, एफिकेसी डेटा विच इज रिक्वायर्ड, या जिससे हमको डिजायर रिजल्ट मिलते हैं ना, जो हमारा एम कंप्लीट करता है ना, दैट इज कॉल्ड एफिकेसी। ये तो एक पॉजिटिव वर्ड है, ऑब्सोलीट नेगेटिव वर्ड है, कॉम्पिटेंट तो सुना है ना। हाँ ये सब पॉजिटिव, एक ही नेगेटिव है ना, ऑब्सोलीट का मतलब ये सब पॉजिटिव। हैंडी यानी क्या, इट्स वेरी हैंडी यानी बहुत काम आता है कभी भी, सिंपल राइट। यूटिलिटी यानी जो यूजफुल रहता है वो, एफिकेशियस यानी विच इज वेरी एफिशियंट और विच कैन गिव यू अ डिजायर्ड रिजल्ट, ये भी पॉजिटिव है। कॉम्पिटेंट यानी वो इज क्या, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, कॉम्पिटेंट इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन यानी क्या, बहुत एफिशियंट पर्सन यू कैन से, सिंपल बट एफिशियंट। ओके तो उधर नेगेटिव वर्ड चाहिए था क्या, पॉजिटिव वर्ड चाहिए था ब्लैंक में, यू आर टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वन ना। डैश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर रैपिडली फिलिंग द लैंडफिल्स ऑन द ग्लोब। लैंडफिल्स पता है क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कैसे डिस्पोज करते हैं पता है, बड़ा बड़ा गड्ढा खोदते हैं बहुत डीप तक, क्योंकि उसके में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे मर्क्यूरी कैडमियम वगैरह बहुत हार्मफुल केमिकल्स होते हैं ना, दिस विल नॉट अफेक्ट द ह्यूमन दिस रेस, को एक बहुत गड्ढा खोदते हैं पिट और उसके अंदर डालते हैं, तो वही उधर बोला गया है। डैश इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर रैपिडली फिलिंग द लैंडफिल्स, लैंडफिल्स है वही गड्ढे जो खोदते हैं। तो ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोल्यूट है जो अभी यूज में नहीं है ना, अभी ये जो ई क्या ई वेस्ट क्या होता है, जो अभी हमारे काम का नहीं है ना, तो डैट्स ऑब्सोल्यूट। ऑब्सोल्यूट का मतलब भी वही होता है विच इज नो लॉन्गर इन यूज। ओके नेक्स्ट वन क्या है, फिफ्थ वन ना, क्या सकता है इधर, प्रॉबेबली इलेवेंथ वन ना, एक मिनट। दे कंटेन सम फॉर्म्स ऑफ डैश मटेरियल सच एज बेरिलियम कैडमियम मर्क्यूरी और दीज मटेरियल्स माइट बी ट्रेस एलिमेंट्स बट व्हेन एडेड अप इन वॉल्यूम्स द ट्रेड टू द एनवायरमेंट इज डैश। क्या हो सकता है, मर्क्यूरी वगैरह सुना है ना, मर्क्यूरी इज पॉइजनस पता है ना, मर्क्यूरी पॉइजनस है, थोड़ा भी आई मीन ज्यादा कंज्यूम करते तो आदमी मर सकते हैं पता है ना, तो इसलिए उधर उसमें मर्क्यूरी का भी नाम है, तो ऑफकोर्स वो हार्मफुल ही जाएगा ना, क्योंकि इट में कंटेन मटेरियल सच एज बेरिलियम कैडमियम मर्क्यूरी लेड, इवन लेड इज अ बिट पॉइजनस पता है ना, तो इसलिए उधर हार्मफुल ही आएगा। हाँ थ्रेट डेंजर आगे भी लिखा है, इट पॉजिज थ्रेट का मतलब क्या होता है, डेंजर धोखा। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, प्रोफ्यूज ऑफ प्रोडिगल, प्रोफ्यूज प्रोफ्यूज नहीं सुने टू अ लार्जर एक्सटेंट, लाइक बोलते ना ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, यानी बहुत सारा खून बह रहा था तो हम लोग बोलते ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली यानी टू अ लार्जर एक्सटेंट, बहुत ज्यादा। और प्रोडिगल यानी एक्सटेंड क्या, वेस्टिंग समथिंग, लाइक इन अ वेरी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रावेगेंट सुने, एक्स्ट्रावेगेंट उसका शादी बहुत एक एक्स्ट्रावेगेंट तरीके से हो गया, बहुत क्या बहुत पैसा खर्च, अनवॉन्टेड पैसा वगैरह खर्च, तो उसका मतलब होता है प्रोडिगल, यानी अनचाहा खर्च करना, and this is profusely, that will not go harmful jayega udhar, kyunki udhar mercury hai to mujhe samajh mein aaya harmful aana chahiye udhar, because it's poisonous. Okay next wala,
सर लास्ट वन क्या लिखा है? Aberrant, ABERRANT. पैसेज वापस चला गया, एक मिनट. दिस मटेरियल्स माइट बी ट्रेस एलिमेंट्स. अच्छा उधर लिखे हैं देखो स्टार्टिंग है, दिस मटेरियल्स विल माइट बी ट्रेस एलिमेंट्स. ट्रेस एलिमेंट्स पता है क्या होते हैं? ट्रेस एलिमेंट सुना है? नहीं. ट्रेस एलिमेंट्स यानी व्हिच आर फाउंड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. जो चीज बहुत छोटे क्वांटिटी में फाइंड करते हैं ना उसमें, इसलिए तो ये मटेरियल जो है ना, जो मोबाइल्स में है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, कौन से मटेरियल्स बोले बताया गया इधर, विच मटेरियल्स आर फाउंड, मर्क्यूरी, कैडमियम, ये बहुत ट्रेस होते हैं. ट्रेस यानी बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, राइट? बट बाद में उसने लिया इन वॉल्यूम, द थ्रेट टू द एनवायरमेंट इज डैश. हाँ, इसकी क्वांटिटी बहुत छोटी है, ये बहुत लाइक मर्क्यूरी 10 ग्राम 15 ग्राम नहीं मिलेगा, 0.01 मिलीग्राम वगैरह बहुत कम क्वांटिटी मिलेगा, लेकिन उनका एनवायरमेंट पे जो अफेक्ट है वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा. समझ में आया? तो सिग्निफिकेंट वर्ड आएगा. ओके, एबरेंट का मतलब बाकी तो सब सिंपल है. एबरेंट नॉट स्टैंडर्ड, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड थिंग. ओके, अनयूजुअल, विच इज नॉट स्टैंडर्ड. तो ये देखा ना, वो इसमें थोड़ा वो क्या भी ज्यादा लगेगा तुम लोगों को क्लोज टेस्ट में. बाकी तो पैसेज वॉज वेरी इजी. एरर्स कैसा लगा तुम लोगों को? एरर्स वाज आल्सो इजी, आई थिंक पैसेज वाज आल्सो वेरी इजी ना. द इश्यू विल बी ओवर हियर वेयर यू विल बी रिक्वायर्ड टू बी बिट शार्प ऑन द शार्प ऑन वोकैब. ओके, नहीं रहेंगे तो भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा नेगेटिव मार्किंग रहता है, थोड़ा डर रहता है ना, तो थोड़ा वोकैब पे फोकस करो. बाकी ग्रामर और वो पैसेज बहुत इजी लेवल का आता है इसमें. How many blanks are remaining? This was which one? 12th one, 13th one. Robbie should get say characterless. TVS Anchas normally हम लोग वो extra marital affairs होता है ना, we use in that sense. Okay, since you're not married तुम लोगों को नहीं पता रहेगा. इम्प्रॉपर तो पता है, तो क्या हो सकता है बोलो? थर्ड और फोर्थ में, एक मिनट, लेट जस्ट लेट मी रीड द फ्यू सेंटेंस. बिसाइड्स एडिंग हार्मफुल इफेक्ट्स टू द एनवायरनमेंट डैश डिस्पोजल ऑफ ई-वेस्ट. अरे बहुत सिंपल है ना, बिसाइड्स एडिंग हार्मफुल एलिमेंट्स टू द एनवायरनमेंट डैश डिस्पोजल ऑफ ई-वेस्ट इज रिसाइक्लिंग अपॉर्चुनिटी लॉस. यानी नॉर्मली हम लोग कुछ भी डालेंगे तो रिसाइकल करते हैं ना, कचरा भी हमारा गार्बेज जाता है तो रिसाइकल करते हैं ना, लेकिन ये लोग का क्या बोल रहे हैं कि अगर वो सही तरीके से डिस्पोज ऑफ नहीं किया तो रिसाइकलिंग हम लोग यूज करेंगे, राइट ना? हाँ, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर, हाँ रॉन्ग में डीवीएस. किसके लिए यूज करते हैं मतलब? डीवीएस पैसा भी साथ जब गलत तरीके से कमाते ना, ही अर्नड हिज प्रॉपर्टी विद डीवीएस मैनर, तो वो नेगेटिव सेंस में यूज होता है. लेकिन अगर इसका सेंटेंस का मतलब समझ में आया ना, अगर वो ई वेस्ट है ना, ई वेस्ट का मतलब क्या होता है?
जो यूज वाले इलेक्ट्रॉनिक आइटम वो अगर प्रॉपर वे से हम लोग डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे तो वी आर वेस्टिंग वी आर लूजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसाइकलिंग देम. तो इसलिए जरूरी है कि उनको हम लोग जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए. तो इसलिए ए प्रॉपर आएगा इसका आंसर. ओके दैट वाज द लास्ट वन ना. तो टेल मी फ्रैंकली कैसा लगा ये, आई मीन क्वेश्चंस कैसे लगे तुम लोगों को. खाली दिस वाज अ बिट डिफिकल्ट इसलिए मैंने एंड में लगा, मुझे पता था राइट था ये थोड़ा डिफिकल्ट था. क्यों डिफिकल्ट लगा ये भी, वो क्या तो थोड़ा वो क्या पे फोकस करना, ग्रामर बहुत बेसिक लेवल का आएगा तुम लोगों को राइट ना. पैसेज ऑल्सो वेरी इजी, पैसेज जरा ध्यान लगे बड़े वो भी इजी आएगा. तो वो दो तीन कॉन्सेप्ट आपके हाथ में ही है, थोड़ा वो क्या पे फोकस करो तो ये इंग्लिश पार्ट इज वेरी इजी इन दिस. ओके ठीक है चलो विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर. वी आर डूइंग विद दिस ना पैरा जम्बल्स ना. ओके ठीक है एक मिनट लेट मी एंड द लेक्चर फर्स्ट. चलो थैंक्स फॉर अटेंडिंग ऑनलाइन पीपल. Thank you, sir. Thank you, yeah. sir. एक मिनट बता दो किधर चले गए.